तो आज मैं आपको बता दूं कि एनर्जी और पावर में काफ़ी अंतर होता है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनर्जी और पावर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि क्या अंतर होता है दोनों के बीच में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको पावर और एनर्जी के बीच में डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़िए। मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लिया किसान है और वो खेत में काम कर रहा है, तो खेत में काम करते वक्त वो अपनी एनर्जी का यूज करेगा, ना कि अपनी पावर का। पावर तो उसकी कोई भी हो सकती है, वो कितना भी पावरफुल हो सकता है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक CFL है। अब ये मेरी CFL 23 वाट्स की है। सो 23 वाट्स होने से मतलब है अभी तो इसकी पावर 23 वाट है, बट क्या मैं इसका बिल दूंगा, क्या मैं इसका पैसा दूंगा? मैं खरीद के लाया वो अलग चीज़ हो गई, उसका मैंने पेमेंट कर दिया, लेकिन अब मैं क्या इसका पैसा दूंगा? अभी मैं इसका पैसा नहीं दूंगा। इसका पैसा मैं कब दूंगा? जब मैं इसको यूज़ करूंगा, जब मैं इसको अपने वोल्टेज के साथ कनेक्ट करूंगा और उससे कुछ टाइम तक इसको यूज़ करूंगा। उसके बाद जब मेरी पावर और उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा टाइम, तो जब दोनों चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी उसके बाद जो मेरी निकल के आएगी वो होगी एनर्जी, और मैं जो पेमेंट करूंगा वो मैं अपनी एनर्जी का पेमेंट करूंगा, ना कि पावर का। तो ये डिफरेंस होता है एनर्जी और पावर के बीच का। एक और अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लिया मेरे को एक लेबर चाहिए, मैं लेबर चौक पे गया और वहां से मैंने एक लेबर को लिया। अब वो लेबर बहुत पावरफुल है, अच्छा खासा ताकतवर है, मोटा ताज़ा, बट उसके पास पावर तो अच्छी खासी है वो, लेकिन अगर वो काम नहीं करेगा तो क्या मैं उसको पैसे दूंगा? नहीं दूंगा। वो काम करेगा तब मैं उसको पैसे दूंगा ना, लेकिन जब वो पावर का यूज़ करेगा और कुछ टाइम तक यूज़ करेगा, यानी पावर इंटू मल्टीप्लाई करेगा वो टाइम के साथ, तो तब जाके जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा मुझे एनर्जी का, फिर मैं उस एनर्जी का पेमेंट दूंगा, ना कि उसकी पावर का। सो ये डिफरेंस होता है एनर्जी और पावर के बीच का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एनर्जी और पावर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय।